सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का टाइटल और थंबनेल देख के समझ हो गए होंगे, आज हम जाने वाले हैं रामपुर महोत्सव, जो कि हमारे बाराबंकी शहर में पड़ता है। रामपुर मंदिर जो है चतुर्भुजी महाराज का मंदिर है। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन जो है 9 दिन का मेला लगता है और काफी धूमधाम से काफी चहल पहल रहती है इस मेले में। तो आप भी आइए, इंजॉय करिए इस मेले में। तो जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकार आने वाले हैं यहाँ पे और चहल है, मेले को फुल्ली एक्सप्लोर कराएंगे। और अभी तक मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। पुराने वीडियो की मैं बात ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मैंने जब मेले में तैयारी चल रही थी तो मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे मिल जाएगी वो वीडियो आपको देखने को। तो गाइस जो है, हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए अपने भाई को ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटा भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं मेले की तरफ और इन्जॉय करते हैं और वहीं पर मिलते हैं आपको। लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर हमारे जो दोस्त मिल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने ये भाई लोग, और ये तो पहले ऑलरेडी आप लोग वीडियो में देखे होंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं स्टेट गेट और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, चलते हैं। तो गाइस, मेले में थोड़ा बहुत तो क्राउड है, लेकिन अभी भी जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं, तो इस वजह से चहल पहल थोड़ी कम है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है जैसा कि हमने सोचा था, उतना नहीं है। तो गाइस, जितना मैंने सोचा था उतना क्राउड भी नहीं है, उतनी ज़्यादा भी चहल पहल नहीं है। जैसा कि तीसरे साल में जब कोविड से पहले मेला लगा था तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए थे, और इतना ज़्यादा अपनी बात नहीं क्योंकि भोजपुरी के कलाकार जो है कुछ यहाँ पे कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो है शिवलिंग देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी और कितनी विशाल बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे। तो गाइस जो है, इस शिवलिंग की 151 फीट हाइट है, जैसा कि आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं आप सामने की तरफ। ये सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है यहाँ पे। तो गाइस, ये सेल्फी पॉइंट रामपुर महोत्सव, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी हमारे साथ पोपट हो चुका है कि जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों के, इतना क्राउड होगा, लेकिन कुछ भी यहाँ पे क्राउड नहीं है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जो कलाकार थे वो जहाँ तक ही कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि उतनी सिक्योरिटी और जो है शासन प्रशासन टाइट नहीं होने की वजह से। क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि शासन प्रशासन बहुत टाइट रहेगा, लेकिन हमारे के यहाँ वहाँ के जो SDM हैं उन्होंने अनुमति नहीं दी जो है, तो इसीलिए कैंसिल कर दिए गए हैं। तो मेले में इतनी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सामने तरफ जो फील्ड कभी भरे हुआ करते थे, आज के दौर में खाली पड़े हुए हैं। जैसे कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, यहाँ बैरिकेटिंग लगी है, पूरी के पूरे फील्ड खाली पड़े हुए हैं। जो VIP एंट्री है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं, और जैसा कि आप सामने का माहौल देख ही सकते हैं कि बिल्कुल ना संख्या में लोग हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो VIP एंट्री कर चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे बैरिकेटिंग देख सकते हैं काफी मजबूती से लगाई गई है, पिलर विलर जैसा कि मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। जब मेले की तैयारी हो रही थी तो हमने एक वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके अभी देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के पूरा माहौल, और देखो बिल्कुल यहाँ पे आने की तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, जिनका पास बना हुआ था वो सिर्फ आ सकते थे, और मेरे जैसे लोग यहाँ पे ना आ पाते। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं इस टाइम। तो
गाइस जो अंकुल को देखो जंपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, इतने बड़े हो गए हैं ये, अब इनकी अकल नहीं आई है। यहाँ पे पोपट हो चुका है हमारे जो है अंकुल, हमारे यार दोस्त, वो हमारे साथ मेला घूमने आए थे, वो आप लोगों को पता ही है, तो वो जंपिंग के लिए गए थे, उनकी पैंट जो है फट गई है, तो जो है हमें अब टी शर्ट अंदर से निकाल के देनी पड़ेगी, उसके बाद वो कवर करके चलेंगे, वो ऐसा तथा जो है मेला नहीं घूमेंगे वो, तो अब क्या करेंगे, ठंड हमें भी लग रही है लेकिन क्या करेंगे, तो फिर देंगे और देने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। पैंट है भैया 100 रुपए की, तो वैसे आप लोग देख सकते हैं, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंकुल कटर कपड़े चेंज कर रहे हैं, यहाँ की बहुत ज़्यादा पैंट फट चुकी है ये देखिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग शॉप लगी हुई है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आप सीनरी भी ले सकते हैं और बुक्स भी हैं और सब बहुत कुछ है, आप लोग देख ही सकते हैं। Away from out of sight, thinking I should ask if you're doing all right. You were... यहाँ पे डोरेमोन आप लोग देख सकते हैं, चाबी केस में है डोरेमोन। तो गाइस मंदिर की तरफ आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि झूमरों से कितना अच्छे से सजाया गया है मंदिर, मस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चले तो यार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा चतुर्भुजी महाराज का मंदिर। प्रसाद की दुकान लगी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये यहाँ पे चढ़ते हैं, चारों तरफ का कुछ इस प्रकार का नजारा है। और श्री चतुर्भुजी मंदिर द्वार जैसा कि एंट्री इसके अंदर करते हैं, तो यहाँ पे जो है रूफ के ऊपर आप लोग देख सकते हैं डिजाइनिंग की गई हुई, कितनी खूबसूरत आर्ट, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, आप फिर से देख लिए क्योंकि तब मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, अब हो गई है। मेले के एक या दो दिन पहले जो है मूर्तियों की स्थापना की गई है, और इससे पहले आए थे तो सब काम चल ही रहा था, इसके अंदर देख सकते हैं टाइल्स पत्थर वगैरह वगैरह सब कुछ लग गया है। यहाँ पे खाजे की भी दुकान लगी हुई है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
इधर सब चाट कर्नल की दुकानें लगी हुई हैं। इस मस्त अभरण के पास आ चुके हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही रात के बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं और इस टाइम हम अभरण के पास हैं और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उधर अंकुल और राजा और यहाँ पे जो है रस्से बांधे गए हैं ताकि जितने भी भक्तगण आएँ इसको पकड़ के स्नान कर सके। इधर से भी एक बेहतरीन व्यू दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर झूमर पड़ी हुई है और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंदिर और सामने की तरफ वो बड़ा वाला मंदिर देख सकते हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे गुल्लक रखे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारी जो है मटर बनके रेडी हो गई है 3 पत्ते जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और इसे खा के और फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, देखते हैं फिर उसके बाद घर भी निकल जाएंगे क्योंकि कुछ है तो है नहीं मेले में अब की बार। जितना कुछ मेले में था मैंने फुल्ली एक्सप्लोर करवा दिया है और यहाँ पे कुछ चाट मटर कुछ खा के और जो है घर की तरफ निकल लेंगे क्योंकि जितना कुछ मेले में था मैंने फुल्ली एक्सप्लोर करवा दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस माय व्लॉग, आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।